सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंप्रेसर के बारे में जिससे कि आप लोग अपने लैपटॉप या फिर पीसी में आसानी से किसी भी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा एमबी का वीडियो बहुत कम एमबी में कन्वर्ट हो जाता है इस ऐप से। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है AVC। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर डाउनलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा और फिर से यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम लोग जल्दी से इसको चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करना है, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप लोडिंग हो रहा है। तो सेटअप के लोडिंग होने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड्स और ये तुरंत आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा कन्वर्टर है, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है। इससे आप बहुत जल्दी बहुत बड़े वीडियो को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा क्रोम खुलेगा या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज खुलेगा, तो यहाँ पर कट कर देना है, यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक दो बार रिफ्रेश कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा एनी वीडियो कन्वर्टर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से फ्री है, आपको इसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आपको सारे प्रोसेस करना है, तो हमें सारा प्रोसेस पता है। तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड और ड्रैग फाइल्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सा वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा MB का है। तो गाइज़, ये देख सकते हैं ये 3.55 GB का है, तो हम इसी वीडियो को ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेटिंग में हल्का सा भी छेड़खानी नहीं करना है। भले आप अगर साउंड को चाहें बढ़ाना यहाँ से, तो आप इसके साउंड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपने साउंड को बढ़ा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का साइज़ जो है वो कौन से रिजोल्यूशन में आए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी, हाई लार्ज फाइल साइज़, मतलब कि अगर आप लो क्वालिटी कर देंगे तो वीडियो थोड़ा ब्लर टाइप का दिखेगा, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी करेंगे तो एकदम डिट्टो जैसा आपका वीडियो है वैसे ही आपको वीडियो वहाँ पर भी दिखेगा। ऑडियो ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अगर ऑडियो बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें उतना छेड़खानी इसमें करना नहीं है, ये बेसिक सेटिंग्स है। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो वो उस जगह को, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होगा वो कहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर मेरा पाथ दिखा रहा है फ्रेंड्स कि ये iPhone XR में ये मेरा फोल्डर है एक, उसी में ये मेरा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होकर निकलेगा। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ाइल का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अभी फ़ोल्डर सेलेक्ट करना नहीं है, मुझे वही फ़ोल्डर रहने देना है। तो इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लेगा और ये बहुत जल्दी ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 853 हो रहा है, तो देखते हैं ये कितना देर में कन्वर्ट कर देता है हमारे वीडियो को। तो जब तक ये कन्वर्ट होता है तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसने 7 मिनट में हमारा जो वीडियो है उसको कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस करने वाला एक इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पर नो थैंक्स हमेशा
नो थैंक्स पर क्लिक कर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं बिना खरीदे। तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो वीडियो का साइज़ है वो कितना हमारे पास आया है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा अभी कन्वर्ट किया हुआ वीडियो, ये दोनों सेम वीडियो है। तो मैं इस वाले वीडियो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले कन्वर्ट किया था। ये वाला जो वीडियो है ये मैंने आज कन्वर्ट किया है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो का जो है वो क्वालिटी चेक करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो का क्वालिटी आप आसानी से कि इस वीडियो का क्वालिटी कैसा है। आपको ज़रा सी भी कहीं भी क्वालिटी में कमी नहीं दिखने वाली है। तो ये तो हमारा था कंप्रेस किया हुआ वीडियो, और चलिए अब हम लोग उस वाले वीडियो को प्ले करते हैं जो इसका ओरिजिनल वीडियो था। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वीडियो को हम लोगों ने खोला है फिल्म्स एंड टीवी में, और एक वीडियो को हम लोगों ने खोला है विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। तो अब चलिए दोनों वीडियोज़ के क्वालिटी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर मैं दोनों वीडियो को साइड बाय साइड करके आपको दिखा रहा हूँ, और आप इस दोनों वीडियो में आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया है। आप देखते ही बता देंगे कि क्वालिटी में हल्का सा भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। आपको एकदम माइनर सा अगर दिखेगा भी तो एकदम माइनर सा दिखेगा हल्का सा डिफरेंस दोनों वीडियो के क्वालिटी में। यहाँ पर आपने देख लिया फ्रेंड्स, दोनों वीडियो का क्वालिटी जो है वो एकदम लगभग सेम है, और दोनों वीडियो का साइज़ मैंने आपको दिखाया, एक था 3.55 GB का और एक था 715 GB का। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट करने पर 2920.2 यानी कि 2920 MB यहाँ पर इसने कंप्रेस कर दिया है, यानी कि तकरीबन 3 GB के आसपास इसने जो वीडियो को है वो कंप्रेस कर दिया है। तो आपने देखा कितना बड़ा वीडियो कितना छोटा वीडियो में कन्वर्ट हो गया, और क्वालिटी की तो बात ही नहीं है फ्रेंड्स, क्वालिटी दोनों का वीडियो का सेम ही है। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े वीडियो को आसानी से छोटे वीडियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा वीडियो था इसलिए 700 MB तक ही इसने कंप्रेस कर पाया, लेकिन अगर ये वीडियो 700 या फिर 800 MB का होता तो ये 150 या फिर 200 MB में ये कन्वर्ट कर लेता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं इसको बहुत पहले से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नया है तो लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।